भाई बहनों के प्रेम के मानक पर्व कर्मा 17 सितंबर को मनाया गया। इसकी पूजा के लिए सुहागिन बहनें अपने अपने मायके भी पहुंची। ये कर्मों की पूजा का पर्व है जिसे भाई बहन मिलकर करते हैं। इस दौरान भाई बहन कर्मे के पौधे की पूजा करने के बाद ढोल नगाड़ों पर नाचते और गाते भी हैं। इस कर्मा पर्व में महिलाएं झूमर गानों में नृत्य करती हैं। ये पर्व मुख्य तौर पर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये पर्व भाद्रपद की एकादशी को मनाते हैं। इस पर्व में महिलाएं पूजा से पहले निर्जला उपवास रखती हैं और आंगन में कर्मा पौधा का डाली लाकर पूजा करने के बाद पानी पीती हैं। पहले दिन भाई बहन कर्मा पौधे के डाल को लाकर घर में रोपते हैं, फिर दूसरे दिन बहन निर्जला रखकर पूजा करती हैं और शाम को पानी पीकर उपवास खोलती हैं। पूजा क्यों मनाया जाता है? कर्मा पूजा अपने भाई के लिए किया जाता है। झारखंड राज्य के कई जिलों में किया जाता है। ये एक पावन त्यौहार है जो कि भाई सुबह के समय में कर्मा काट के लाते हैं और बहनें करते हैं। भाई के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है ये। और कर्मा पूजा एक मतलब इसको एकादशी पूजा भी कहा जाता है। और बताया जा रहा है कि आप लोग दिन भर से सहे भी हुए? हाँ, हम लोग दिन भर से सहे हुए और रात में पूजा होता है। दिन भर का उपवास रखते हैं? हाँ, दिन भर का उपवास इसमें रखते हैं और रात में पूजा होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा कुमारी हुआ। जगह जगह मंडल हजारीबाग।